रामपुर चौकी के अंतर्गत कैलाशपुरी गुप्तेश्वर में नहाने के दौरान करंट लगने से महिला की मौत हो गई। दरअसल महिला नहाकर गीले कपड़े तार पर सुखाने गई थी, वहीं तार कटा होने के कारण महिला करंट की चपेट में आ गई, जिसके कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला के पति गुप्तेश्वर निवासी रामगोपाल सेन 48 वर्ष के मुताबिक वो सुबह पानी भर रहे थे, जहां पत्नी फूल कुमारी नहाने के लिए गई थी, तभी अचानक से चीखने की आवाज आई। मौके पर वो पहुंचे तब तक पत्नी बेहोश हो चुकी थी। लोगों की मदद से उसे कृपाल चौक और फिर भंडारी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। डेली की तरह नहा धो रही थी, बाथरूम में लाइट लगी थी, तार थी, पता नहीं कहां से तार कैसे कट गई। डेली गीले गीले कपड़ा फैलाती रही, वही कपड़ा फैलाने के लिए जैसे तार में गई है तो खूब जम के चिल्लाई है। मैं वहीं पे से नल आ गया था, पानी भर रहा था, इतने में वो चिल्लाई है, मैं दौड़ा कि करंट लग गए इसको तो कुछ लेके मार दो तो छोड़ दे। इतने में उसको छोड़ी है, मतलब छोड़ा है, तार छूटी है, उसके हाथ में भी लग गया है, खून बह रहा था, वो गिरी है ऐसे सर के बल में गिरी है। और जो हम वहीं पर उठा के अपने पलथी पर उसका सर रखे हैं, सब मोहल्ला के लोग के दौड़ पड़े, हमारा दिमाग नहीं काम किया, तुरंत जैसे चार लोग आए, सब कोई उसको ऐसे गीला कपड़ा पेटी कोट बस पहनी थी, हैं सब लोग मोहल्ले के सब लेडीजे आके उसको कपड़ा पड़ा पहना के तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में पहले डॉक्टर अरुण जैन के यहाँ लेके आए कृपाल चौक में, फिर उसके बाद उनने मना कर दिया, बोले भैया नहीं है। फिर भंडारी हॉस्पिटल लेके सब लोग गए, वहाँ भी डॉक्टर ने बोला, बोला भैया नहीं है, अब जो आपकी इच्छा पड़े वो करो। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।